माय गेस्ट प्रवीण पटेल, आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले संज्ञा होता क्या है, व्हाट इज संज्ञा। संज्ञा का आप लोग वो ग्रामर में आप लोग उसको नाउन भी बोलते हैं, संज्ञा का हम लोग नाउन भी बोलते हैं। और मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि किसी भी चीज को जानने से पहले उसके डेफिनेशन को हमें जानना चाहिए। डेफिनेशन उसके पहले देखते हैं हम संज्ञा की डेफिनेशन होती क्या है, संज्ञा होता क्या है। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसकी हमें पता होना चाहिए वो कहाँ यूज होता है, कैसे उसका क्या यूज होता है, उसके डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। आइए पहले हम लोग संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, एक बार ये बिगाड़ दो, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान भाव अथवा गुण आदि के नाम को नाम के बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन से आधा पता चल गया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी स्थान की, ये सब होते हैं संज्ञा कहलाते हैं। ये सब संज्ञा होता है। आप लोग का आधा तो डेफिनेशन से पता चल गया होगा, और मैं आपको कुछ थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है। शेर जंगल में घूम रहा है, अब भाई इसमें ये बता दो मुझे इसमें संज्ञा कहाँ है। भाई संज्ञा साफ साफ दिखाई दे, शेर है और जंगल है। अब आप लोग सोचे होंगे शेर और जंगल कैसे है। भाई शेर किसी व्यक्ति, इसमें देख लिया आप लोग ध्यान से, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, व्यक्ति और प्राणी शेर है। भाई शेर तो एक व्यक्ति है और एक प्राणी है वो शेर। और यहाँ पे अब ये जंगल कैसे आ गया, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान, स्थान तो भाई एक जगह का नाम है, एक जंगल है ये भी स्थान, ये एक जंगल ले लीजिए, एक जंगल स्थान है, दिल्ली एक स्थान है, इसे स्थान है, इसे स्थान है। ये देखिए इसमें दो आ गए हमारे संज्ञा। इससे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा संज्ञा, आप लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया, आप लोगों को और समझ आया होगा संज्ञा कैसे कहाँ आती है। आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ आया होगा संज्ञा क्या होती है। अब आप लोगों संज्ञा के भेद क्या कौन से होते हैं और उनके भी भेद कैसे कौन से होते हैं, इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। आप लोग आगे आगे देखिए, वो भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, वो भी एक इजी से फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ। वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा फ्लो चार्ट में, आपको आइए दिखाता हूँ कौन सा फ्लो चार्ट है हमारा। फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया हमारा, आप लोगों को दिखाई दे, आप लोग इसको कहीं नोटबुक में कर सकते हैं, फिर आप लोग दिमाग से करें, बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लगा कॉन्वर्सेशन से। आइए हम लोग अपने फ्लो चार्ट से बढ़ते हैं। हमारा संज्ञा के हमारे तीन भेद होते हैं, हमारा फ्लो चार्ट संज्ञा के हमारे तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के हमारे तीन भेद होते हैं और व्यक्तिवाचक का कोई भेद होता नहीं है। और रहा जातिवाचक, जातिवाचक के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक वो चीज होती है जो किसी भी चीज के, मतलब कोई चीज अनमोल चीज हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे कि दूध, घी, मतलब ऐसे वट एवर, मतलब कि सोना, किसी भी चीज को वो अनमोल कोई चीज हो उसे वो आते हैं द्रव्यवाचक में। और आते हैं समूहवाचक, समूहवाचक में किसी भी चीज का एक, मतलब कि जैसे सेना, एक साथ होना, मतलब कि एक झुंड होना, उसे कहते हैं समूहवाचक। एक सेना हो गई, बच्चे हो गए, मतलब कि बच्चे हो गए खेल रहे बच्चे हैं, मतलब कि ये सब हो गए, सेना हो गई। और मतलब कि एग्जांपल से ले ले बहुत झुंड में, बच्चे हो गए, विद्यार्थियां हो गए, विद्यार्थी हो गए, शिक्षक हो गए, ये सब एक साथ होते हैं, ये आते हैं हमारे समूहवाचक में। ये हमारा चार्ट है कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का, और इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।